जय हिंद बच्चों, पुनः आज फिर मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 विषय संस्कृत। और फिर विषय वस्तु वही है, क्योंकि उसमें पीछे शेष बाकी रह गया था और फिर से मैं उपस्थित हूँ विद्या के महत्व को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब तक हम उसके महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हमें उसमें अच्छी खासी सफलता नहीं मिलती, चाहे वो कोई भी काम हो। आज फिर से नया श्लोक लेकर उपस्थित हूँ। आज फिर जानेंगे विद्या के महत्व के बारे में। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी को विद्या प्राप्त नहीं हो सकता। आलस कर करके और वो चाहेगा कि विद्या को भी अर्जित कर ले तो यह संभव नहीं है। अविद्या से आपको तो धन, और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है कि जो जिनके पास विद्या नहीं होगी तो उनके पास धन भी नहीं हो सकता। अगली पंक्ति, अधनस्य कुतो मित्रम, और जिनके पास धन नहीं है उन्हें मित्र कहां मिलेगा, कहां मित्र मिलेगा उन्हें। और अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिनके पास मित्र नहीं होंगे उन्हें सुख कहां मिल सकता। इसलिए हमें विद्या को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह के संकट का सामना करते हुए कोशिश करना चाहिए कि हमें विद्या अर्जन हो। अगला श्लोक फिर से ध्यान से देखें, साहित्य संगीत कला विहीनम, साहित्य नहीं जानते, संगीत भी नहीं जानते, साहित्य संगीत कला विहीनम, साहित्य नहीं जानते, संगीत नहीं जानते, कोई कलाकारी आपके अंदर नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि वैसा कौन होता है। श्लोक को पूरा करते हैं, साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही न, जिनके पास न कोई साहित्य है न संगीत है, कला से विहीन है, साक्षात वो पशु के समान है जो विष धारण नहीं करते और पूंछ उनके पास नहीं है। त्रिनम न खादान नपि जीवमानम, भले ही वो पशुओं की तरह घास चारा नहीं खाते हो लेकिन उनकी श्रेणी जो है वह पशु के बराबर में ही है। जीवमान त्रिनम न खादान नपि जीवमानम तदभाग देयम परमम पशुनाम, भले ही वो तृण घास पुआल नहीं खाते हो लेकिन उनकी गणना जो है वह पशुओं में ही है, उनसे वे बढ़कर ही है। आशा है आप इन दोनों श्लोकों को पूरी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों श्लोकों को अपने जीवन में इन दोनों श्लोकों को अच्छी तरह से उतार लें, ताकि आपको विद्या अर्जन में कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद।